हेलो गाइस, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज सबसे पहले ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो को काफ़ी पसंद किया और काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, तो उसके लिए थैंक यू। और आई होप कि मैं आगे भी आपका ऐसे एंटरटेन करता रहूँ, अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आज मैंने एक बहुत ही शानदार ब्रीड है डॉग्स ब्रीड, उस पर ब्लॉग बनाया है, जो कि जिसका नाम अमेरिकन बुली है। तो इस अमेरिकन बुली जो ये ब्रीड है, इसमें तीन कैटेगरी होती है बेसिकली, एक्सेल होती है और एक पॉकेट होती है और एक माइक्रो होती है। तीन साइज की कैटेगरी होती है जो ब्रीड में। तो जिस ब्रीड कैटेगरी पे मैंने बनाया वो पॉकेट साइज की कैटेगरी है और बहुत ही शानदार डॉग है दोस्तों, आप लोगों को देख के बहुत पसंद आएगा और देखने में बहुत ही खूबसूरत डॉग है। तो चलिए वीडियो को जल्द लंबा ना लेते हुए मैं आज का ब्लॉग शुरू करता हूँ। और प्लीज़ वीडियो का एंड तक जरूर देखना भाइयों, एंड तक देखना, लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। तो भैया, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भाई कपिल है। अच्छा, थोड़ा मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ, तो देख के डर लग रहा है ये इसको। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? कपिल नाम है। अच्छा, तो भैया ये कौन सी ब्रीड है ये? भाई अमेरिकन बुल्ली है। अमेरिकन बुल्ली, तो ये साइज भी होते हैं ना इसमें? हाँ, साइज होता है इसमें। अच्छा, तो ये क्या साइज है इसका? पॉकेट साइज है। पॉकेट साइज है। अच्छा, तो भैया ये आपके होम ब्रीड है या मतलब आपने बाहर से खरीदी है, मतलब जैसे बाहर से परचेज कर या खुद का अपना घर का बच्चा है? आपका घर का बच्चा है। घर का बच्चा। अच्छा, तो ये वैसे अग्रेसिव तो नहीं है जैसे, मतलब? बिल्कुल फ्रेंडली है, तो बच्चों के साथ भी एकदम बढ़िया तरीके से रहता है, कोई वैसा नहीं। तो आप इसकी क्या स्टड सर्विस करवाते हो इसके थ्रू? तो ये आप एक ही है या और भी है आप पे इसके अलावा? इसके अलावा लैब है, फीमेल है बुल्ली की। इसके बच्चे भी हैं आपके पास में या फिर मतलब? हाँ, इसके बच्चे भी। इसके बच्चे भी हैं। तो इसके अलावा जो फीमेल है वो भी आपके पास ही है जिसके आप मैटिंग करवाते हो और बाहर से भी करवाते हो? बाहर की भी कराते हैं, अपनी भी। अच्छा, तो एक बार इसका फेस इधर कर दीजिए ना थोड़ा सा। अच्छा, तो इस ब्रीड के बारे में भैया थोड़ा सा बताओ ना मेरे को कि मतलब ये कैसी ब्रीड है, या कोई नॉर्मल हम घर में इसको रख सकते हैं या फिर ये इसके लिए कुछ अलग से स्पेस होना चाहिए, मतलब ये नॉर्मली घर में रखने लायक है ये, क्योंकि ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है ना, अग्रेसिव ब्रीड है, रखने लायक है, ठीक है। तो घर में रख सकते हैं इसको? हाँ। जैसे छोटे बच्चे हैं या कुछ? हाँ। है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लोग बाग छोटे छोटे घरों में वो आपका जो है अमेरिकन लैब्राडोर वगैरह ही पालते हैं, तो ये काफ़ी हैवी ब्रीड है, बड़ी ब्रीड है, तो डर लगता है कि जैसे घर में अगर कोई आया अटैक वटैक करे, तो उस पर्पस के मतलब उस मामले में देखा जाए तो रख सकते हैं घर में? भाई रख सकते हैं, वो अपने ऊपर है, फिर तुम शुरू से इसे कैसे रख रहे हो। अच्छा अच्छा, मैंने रखा, मेरे घर में बच्चे हैं, सब चीज़ें सब में घुल मिल कर रहता है। तो और इसके बारे में थोड़ा जानकारी दो ना, और बताओ इसके बारे में कि कैसी भी है, मतलब ये कौन सी इसमें भी मतलब क्वालिटी होती है, कई तरह की क्वालिटी होती है? होती है इसमें, साइज भी होते हैं, ये पॉकेट साइज है, माइक्रो आता है इसमें। अच्छा, एक्सेल आता है। तो अच्छा, माइक्रो इससे बड़ा होता है या छोटा होता है? इससे छोटा होता है और एक्सेल इससे बड़ा होता है। अच्छा, तीन साइज होते हैं इसमें। अच्छा अच्छा, तो इसका फेस तो काफी हैवी है, मतलब मेरे हाथ से भी बहुत बड़ा फेस है इसका। देखने में तो इसका फेस बहुत बड़ा। तो और इसके बारे में भैया कुछ और बताओ ना, जानकारी दो, मतलब क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि अमेरिकन बुल्ली बहुत ही अग्रेसिव कुत्ते डॉग्स होते हैं और मतलब नहीं रख सकते छोटे भैया, ऐसा तो कम कुछ स्पेस नहीं में ऐसा बोलते हैं, तो अपने अपनी सोच है। अच्छा, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अग्रेसिव होते हैं? नॉर्मली हम भी कोई भी मतलब नॉर्मली इंसान रख सकता है। अच्छा, तो इसकी वो डाइट के बारे में कुछ बताओ कि मतलब इसको क्या क्या फीड वगैरह क्या क्या खिलाते हैं और किस किस टाइम कितनी कितनी फीड खिलानी पड़ती है, क्या क्या थोड़ा इसका डाइट प्लान के बारे में बताओ। भाई डाइट ये पेडिग्री भी खाता है जी, और रॉयल कैनर भी खाता है जी, उसमें अगर वो भी नहीं है जैसे किसी टाइम ख़त्म हो जाता है, तो डाइट में कम से कम इसे 8 या 10 अंडे, रोटी एक टाइम में, 8 या 10 अंडे देते हो या फिर सुबह एक टाइम? एक टाइम में। और एक टाइम में वैसे कितना फूड खाता है, मतलब कितना एक एवरेज, मतलब आधी किलो, एक किलो चिकन वगैरह ये भी कुछ देते हो? चिकन वगैरह सब चीज़ खाता भाई, तो सब खाता है। तो मतलब वैसे भी एक नॉर्मली जैसे कोई अगर लेके जाए परचेज करे आपसे, कोई बच्चा ले जाए इसका, तो आप ऐसे इसके बच्चे भी आप सेल करते हो, आपके पास बच्चे भी मिलते हैं? अच्छा, तो जैसे अगर कोई लेके जाए आपसे इसका बच्चा लेके जाए, तो
उसको क्या डाइट प्लान आप सजेस्ट करोगे, मतलब कि कितना किस टाइम पे देना है, कितना किस टाइम पे देना है? बच्चा जब लेके जाते जैसे होता है वो करीब 45 दिन है या 60 दिन 40 दिन, तो उसका वही है कि दिन में कम से कम चार बार थोड़ा करके। और जो एक एडल्ट होगा, अब जैसे ये 3 साल का एडल्ट होगा, सुबह शाम दो टाइम ही खाना, तो दो टाइम में मतलब क्या खिलाते हो इसको आप सुबह और शाम? दो टाइम में पेडिग्री है, रोल कैनर भी है। अच्छा, डॉग फूड ही खिलाते हो उसको, उसके अलावा कुछ नहीं खिलाते? फूड भी खिलाते हैं, घर का जो भी खाना होता है वो भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई फूड नहीं है, नॉर्मल आदमी लेके जा रहा पाल लिया, कभी होता है फूड कभी नहीं होता, तो अपना ऐसा नहीं है, सब चीज खा लेता। तो मतलब हम अपने घर में इसको घर का खाना भी खिला सकते हैं, लेकिन डॉग फूड देना भी बहुत जरूरी होता है। अच्छा, और इसका क्या है मतलब इसको रखने के लिए, और जैसे अगर कोई पालता है तो मतलब जैसे सर्दी गर्मी का ऐसा कुछ हो कि भाई इनके लिए अलग से स्पेस हो, तो जैसे गर्मी में थोड़ा मौसम के हिसाब से इनके लिए भी जैसे गर्मी हो रही है तो उसमें रखना पड़ेगा कूलर वगैरह, जैसे ऐसे नहीं है कि भाई बहुत ही ज्यादा, वैसे भी ये तो डॉग के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ये क्या कोई सा भी हो। अच्छा, और तो अभी आपके पास में कितनी, अभी ये एक ही है या फिर अभी और नहीं, भी अभी है? मेरे पास में दो बुल्ली हैं, फीमेल है, सिज्जू है। अच्छा, सिज्जू है वो। अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी लेब्रा के बच्चे, तो अभी इसके बच्चे करंट में इसके बच्चे हैं या फिर अभी? हाँ, है। इसके अभी बच्चे हैं। बच्चे है। अच्छा, तो अभी मतलब जो आपने फीमेल कराई है तो उससे इसके जो बच्चे हैं वो अभी बच्चे हैं, सेल तो आप सेल करते हो बेसिकली? अच्छा, और इसके ब्रीड के बारे में और थोड़ा बताओ ना जानकारी से, तो काफी काफी बंदों के एक्चुअली में क्या, इसका थोड़ा इधर को फेस कर दो, इधर को थोड़ा जो है एक्चुअली क्या, सबसे ज्यादा ना लोग बाग इस ब्रीड को देख के बहुत डरते हैं, अक्सर मैं खुद डरता हूँ, मैं खुद नहीं इसके सामने जाता कि मुझे डर लगता है। तुम पकड़ो, हाथ फिराओ, इस पे कुछ फिराओ, देखो तुम बाहर से किस तरीके से तुम पाल ले उसे, किस तरीके से। नहीं, काफी लोग क्या होता है ना कि अधिकतर लोग बाग इसको जो है देख के दूर से डर जाते हैं कि भाई ये ब्रीड बड़ी देखने में इतनी धांसू लगती है। अब देखो इसका फेस देख के देखने यार, इसका फेस कितना खतरनाक है, मुझे लगता है इसका फेस तो मेरे हाथ से भी बहुत बड़ा है, मेरे दोनों हाथों से भी बड़ा है। तो मतलब नॉर्मली कहने का मतलब ये है कि हम इसको घर में पाल सकते हैं, ले ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब घर के मतलब का नहीं है ये छोटे। अच्छा, तो वैसे जो जो इसके आप बच्चे इसके आप जो होते हैं तो वो किस रेट पर आप देते हो, क्या प्राइस होता है उनका? इसका प्राइस वही है, फीमेल 15 मेल 20। फीमेल 15 और मेल 20। तो ये फिक्स प्राइस होता है या जैसे कोई आता है लेने तो फिर नेगोशिएट भी कर देते हो? जाता है अपना, आ रहा है भाई 1000-2000 हो जाता है उसमें, हो जाता है। तो अभी इस करंट में अभी आपके पास समाज में खाली इसी के बच्चे हैं या और भी कोई ब्रीड है जिसके और भी बच्चे अवेलेबल हो? और ब्रीड है, लेब्रा के बच्चे हैं, लेब्रा के बच्चे भी हैं आपके पास में? तो अच्छा, तो लेब्रा के बच्चे क्या रेट के, मतलब क्या क्या प्राइस आप देते हो लेब्रा के? जैसे भी लेब्रा का भाई प्राइस वही है, मेल का 13,000 रुपये, मेल 13,000 रुपये, फीमेल 6,500-7,000, मेल 13,000, फीमेल 6,500-7,500 में। तो ये तो बहुत ही सस्ता है और बहुत ही मतलब चीप रेट कोई भी है, मतलब जैसे मैंने सुना है कि काफ़ी लोग ले नहीं पाते हैं, बड़े महंगे महंगे, तो इसका मतलब ये तो आप बहुत बढ़िया है कि अगर आपसे कांटेक्ट करें तो आप तो उनको बड़े चीप रेट में, सस्ते रेट में मतलब आप उनको प्रोवाइड करवा दोगे डॉग्स वगैरह, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अपना कहाँ पर है भैया, आपने एक बना रखा है? ये भाई मेरे यहीं है करावल नगर में। अच्छा, ओके भैया, ठीक है भैया, थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा और पता पड़ा हमारे को अमेरिकन बुल्ली के बारे में, लोगों को बहुत वो था कि भाई अमेरिकन बुल्ली बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अग्रेसिव डॉग्स होते हैं, लेकिन आपने जो बताया उससे पता पड़ा कि नहीं, इसको लोग बाग हम लोकल भी पाल सकते हैं। तो ठीक है भैया, थैंक यू। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूं और आशा करता हूं कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर नहीं पसंद आया तो भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ बेल बटन